हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं वीडियो का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो टॉप 35 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो कि 2022 में आने वाली है। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया था जो कि 2022 में आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी थी। तो आज भी इस वीडियो में आपको इन सभी 35 वैकेंसी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। कौन सी वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म कब आने वाली है, किस वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, एक-एक वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो भाई तैयार हो जाइए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टेक्निकली इस वीडियो में आपको 36 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 36 से ही, जो कि डायरेक्टली निकल के आएगी एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। इस बार ये वैकेंसी हमारी 14 अगस्त 2022 को आने वाली है। साथ ही एज लिमिट इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20-25 ईयर मांगी जाती है, और अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है कोई भी, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बवाल वैकेंसी मानी जाती है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, तब जाके आप इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। बाकी आने वाले टाइम में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे प्रिपरेशन करें वीडियो लेकर आने वाला हूं, चैनल के ऊपर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 35 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DSSSB हेड क्लर्क और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 10 जून 2022 से होंगे, साथ ही इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 1 अगस्त 2022 तक होगा। हेड क्लर्क वाली पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही इसमें 10 ग्रेड सेकंड की भी पोस्ट होगी, उसके लिए भी बैचलर है, और सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले के लिए भी बैचलर पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18-27 ईयर इसमें रखी जाएगी, और ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बढ़िया वैकेंसी मानी जाती है। वैकेंसी नंबर 34 निकल के आती है IBPS CRP क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022। इस वैकेंसी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, IBPS के थ्रू हर साल यह वैकेंसी निकलती है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, यानी कि इंडिया के अंदर जो 11 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, गवर्नमेंट बैंक जिनको बोल देते हैं, उनके अंदर एज अ क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी लगभग हर साल 5000 के आसपास रहती है, इस बार ये वैकेंसी लगभग सितंबर 2022 के आसपास निकलेगी, जैसे कि हर साल निकलती है। एज लिमिट यहाँ पर 20-28 ईयर जनरल वालों के लिए रखी जाती है, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लर्क की पोस्ट के ऊपर गवर्नमेंट बैंक्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 33 के बारे में, जो कि निकल के आएगी दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, इस बार एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलेगी सिविलियन की, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म यहां पर 11th अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम इसका फरवरी 2023 तक होगा। एज लिमिट यहां पर 18-27 ईयर के आसपास मांगी जाती है, सभी 10th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो बढ़िया डिजायरेबल वैकेंसी मानी जाती है ये भी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 32 के बारे में, जो कि निकल के आएगी FCAT फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, एक साल में दो बार इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये वैकेंसी निकलती है, जिसमें से फ्लाइंग ब्रांच की एक वैकेंसी होती है, जहां पर एज लिमिट यहां पर 20-24 ईयर मांगी जाती है। वहीं पर जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होती है, उसमें हमारी एजुकेशन की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है, साथ ही लॉजिस्टिक की पोस्ट होती है, वहां पर 20-26 साल एज लिमिट मांगी जाती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी होती है वो लोग यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अभी अभी 2021 वाली गई थी, लेकिन जून 2022 में भी यह वैकेंसी दोबारा से निकलेगी। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 31 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DSSSB जेल वार्डर और मैट्रन रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म
10th अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाली है। एग्जाम इसका 1st अक्टूबर 2022 तक ही होगा। एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी गई है दोनों पोस्ट के लिए और सभी 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 30 के बारे में जो कि निकल के आएगी IDBI असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022। IDBI ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का ही बैंक है। IDBI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। लगभग 600 के आसपास यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती है। 21 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी जाती है। सभी बैचलर पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ये वैकेंसी अगस्त 2022 के आसपास निकलेगी, तो तैयार रहिएगा। और सिंगल एग्जाम ये वैकेंसी होती है, यानी कि केवल इसमें एक ही एग्जाम होता है, कोई प्री मेन का इसमें चक्कर नहीं होता, तो इसलिए काफी बढ़िया वैकेंसी मानी जाती है। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 24 के बारे में जो कि निकल के आएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल 26,382 और साथ ही फायरमैन की भी इसमें 172 पोस्ट होगी, ठीक है, तो टोटल 26,382 पोस्ट हो जाती है कॉन्स्टेबल और फायरमैन की पोस्ट को मिलाकर। वैकेंसी अनाउंस काफी टाइम पहले हो रखी है, टेंडर भी जारी कर दिया यूपी पुलिस ने। साथ ही ये वैकेंसी फरवरी 2022 तक निकल जाएगी। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी जाती है। सभी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। भले ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 28 के बारे में जो कि निकल के आएगी। SBI पीओ रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर साल इसके अंदर पीओ प्रोफेशनल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। लगभग 2000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है। ये वैकेंसी अगस्त 2022 के आसपास निकलेगी। एज लिमिट 21 से 30 साल होती है जनरल वालों के लिए। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक वैकेंसी मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले बुक्स के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की बुक है, उनका अपडेटेड वर्जन, नया एडिशन फ्लिपकार्ट के ऊपर स्टॉक लग चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट बुक को परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पूरा 2021 का जनवरी से दिसंबर तक का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट कवर किया हुआ है। ये इंग्लिश एडिशन है, ये हिंदी एडिशन है, ठीक है, और लगभग ऑल इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के पास बुक पहुंच चुकी है। जबरदस्त रेस्पॉन्स आपका देखने को मिला था। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 27 के बारे में जो कि निकल के आएगी। IBPS ऑफिस असिस्टेंट साथ ही क्लर्क की, मल्टीपर्पज क्लर्क की एक वैकेंसी निकलती है। लगभग 10,000 के आसपास ये वैकेंसी होती है। ऑफिस असिस्टेंट स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड की वैकेंसी होती है। फॉर्म इसके जून जुलाई 2022 के आसपास निकलेंगे। एज लिमिट 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए यहां पर होती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर, उनके अंदर एज अ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करने का ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी नंबर 26 निकल के आएगी। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से, हर साल SSC के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। जहां पर एक ग्रेड सी होता है, जहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल होता है, ग्रेड डी के लिए 28-27 साल एज लिमिट मांगी जाती है। इस बार ये वैकेंसी 5 दिसंबर 2022 को आने वाली है, यानी कि साल के आखिर में आएगी। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास ही है, जैसे कि बता चुका हूं, तो भाई ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 25 के बारे में जो कि निकल के आएगी। UP SSC जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के थ्रू निकलेगी ये वैकेंसी। सभी 12th, जिसको हिंदी में कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के नाम से आप जानते होंगे, सभी 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। बस शर्त यह है कि आपने UP SSC पैट का एग्जाम दिया होना चाहिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। वैकेंसी नंबर 24 आएगी हमारे दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1215 के आसपास आएंगी। सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी 27 जून 2022 को आने वाली है। एज लिमिट यहां पर 21 से 30 साल के आसपास होगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 23 के बारे में जो कि निकल के आएगी। UP SSC CDS और NDA रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से ये वैकेंसी एक साल में दो बार निकलती है। CDS NDA की एक ही दिन वैकेंसी निकलेगी और दिन हमारा होने वाला है यहां पर लगभग 18 मई 2022 को ये दोनों वैकेंसी निकलने वाली। अलग अलग पोस्ट है। CDS की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल अकेडमी और साथ ही OTA ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया है। NDA वाली पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट साथ ही अपीयरिंग पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपका दोनों ही पोस्ट के लिए 4th सितंबर 2022 को होना
तय हो रखा है एग्जाम कैलेंडर में। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 22 के बारे में जो कि निकल के आएगी D++B फायरमैन ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 अगस्त 2022 से। 28-27 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए यहां पर रखी जाती है। सभी 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 21 के बारे में जो कि निकल के आएगी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ये एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। 10th में 2022 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 18 से 27 साल, 18 से 30, 18 से 32 पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर एज लिमिट रखी जाती है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए। बहुत सारी पोस्ट इसमें होती है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, MTS, LDC, UDC, स्टेनोग्राफर टाइप की बहुत सारी पोस्ट इसमें होती है। टेक्निकल वालों के लिए भी होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, फिर ITI का सर्टिफिकेट है, उनके लिए भी काफी सारी पोस्ट यहां पर रखी हुई है। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 20 के बारे में जो कि निकल के आएगी इंडियन नेवी SSR और AA, यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो होता है ना, और स्पेशल सेलर रिक्रूटमेंट होती है नेवी के थ्रू। ये वैकेंसी निकलेगी लगभग 2500 के आसपास, 2500 के आसपास या फिर उससे ज्यादा वैकेंसी होती है। 12th पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी होती है। एज लिमिट 17 से 19 के साल के आसपास होती है। मई जून 2022 के आसपास ये वैकेंसी आ जाएगी क्योंकि ये वैकेंसी भी एक साल में दो बार निकलती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में जो कि निकल के आएगी IBPS रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर लगभग 4000 होगी। जैसे कि बताया आपको पहले भी, जो हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर एज अ PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर अगर आप पहुंचना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी केवल आपके लिए ही है। अगस्त सितंबर 2022 में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 18th के बारे में जो कि निकल के आएगी SSC दिल्ली पुलिस AWO TPO रिक्रूटमेंट 2022 नहीं समझे। AWO का मतलब है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO का मतलब है टेलीफोन ऑपरेटर। ये वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4th जुलाई 2022 से होने वाले हैं। 18 टू 27 ईयर जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाएगी। 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। शर्त ये है कि 12th में उनके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहां पर कंपटीशन काफी कम हो जाता है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17th के बारे में जो कि निकल के आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ये वैकेंसी एक साल में दो बार निकलती है। जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके अंदर नाविक की एक पोस्ट होती है, GD की होती है जनरल ड्यूटी, एक DP की होती है डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच वाली पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। GD वाली पोस्ट के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। नाविक वाली जो पोस्ट है उसमें 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा जाता है, पॉलिटेक्निक वगैरह। जून जुलाई 2022 के आसपास ये वैकेंसी आ जाएंगी। 10th, 12th और जैसे कि बताया डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल या 22 साल एज लिमिट इसमें होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 16 के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। DDC DHC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 ये वैकेंसी आएगी। DDC का मतलब है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, DHC का मतलब है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, पर्सनल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है और कई बार इसमें LDC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और साथ ही ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, यानी कि हमारे प्यून, डाक और साथ ही ऑर्डरली वाली वैकेंसी निकलती है, ठीक है। ग्रुप सी वाली जो ये प्यून वाली पोस्ट है मैंने आपको बताया, इनके लिए 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 28-27 साल एज लिमिट मांगी जाती है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई होते हैं। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, DDC है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वैकेंसी अलग से निकल के आएगी। DHC दिल्ली हाई कोर्ट, ये वैकेंसी अलग से निकल के आती है। पोस्ट लगभग सिमिलर सी ही होती है दोनों के अंदर ही। वैकेंसी जो आपकी आएंगी वो लगभग आपकी अप्रैल और मई के आसपास आ जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 15 के बारे में जो कि निकल के आएगी SSC जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 नवंबर 2022 से स्टार्ट होंगे। 18 टू 32 जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। इसमें या तो आपने बैचलर इंजीनियरिंग की हो, यानी कि BTech वगैरह की हो, या फिर आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक वगैरह होना चाहिए डिफरेंट ट्रेड से, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हो तो ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, SSC के थ्रू निकलती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14 के बारे में जो कि निकल के आएगी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ये वैकेंसी हर साल जरूर निकलती है। 18 से 42 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज लिमिट होती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगस्त सितंबर
में हर साल ये वैकेंसी आती है, तो 2022 में भी अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी आएगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 13 के बारे में, जो कि निकल के आएगी SBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी होती है, 20 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई के आसपास ये वैकेंसी निकलती है, ठीक है, ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में, जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है इंडिया की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 और 23 हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2023 में जाके निकलेगी। 9 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट कर दी गई है। 12 पास कैंडिडेट सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हर साल इस वैकेंसी के लिए लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज इसमें कंपलसरी होती है, आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल में दिखाना होता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वैकेंसी नंबर 11 आती है हमारी UPPCL कैंप असिस्टेंट स्टेनोग्राफर अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ये वैकेंसी हर साल जरूर निकलती है। UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू वैकेंसी निकलती है। इन 3-4 पोस्ट के ऊपर निकलती है, जो कि मैंने आपको बताया 21 से 40 साल एज लिमिट होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगस्त सितंबर में हर साल ये वैकेंसी निकलती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2022। ये वैकेंसी भी हर साल जरूर निकलती है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर होती है। अप्रैल मई के आसपास ये वैकेंसी आ जाएगी। 10th पास वाली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि निकल के आएगी आपकी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के रिगार्डिंग। और वैकेंसी जो आपकी आएंगी 99% चांसेस है CRPF हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आना तय है। और साथ ही ITBP हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो 18 से 25 साल के आसपास एज लिमिट मांगी जाती है। सभी 12 पास कैंडिडेट इन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SSB के अंदर अभी निकली थी, CISF के अंदर 2019 में निकली थी, दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी 2022 में निकलेगी, और CRPF ITBP के अंदर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी 2022 में। कभी भी निकल सकती है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी IBACIO रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ये वैकेंसी भी हर साल निकलती है। लास्ट ईयर 2021 में तो नहीं निकली, 2020 के लास्ट में निकली थी दिसंबर में। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIO की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वैकेंसी होती है। अक्टूबर नवंबर 2022 के आसपास ये वैकेंसी आपकी आएंगी। 2000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट होती है जनरल वालों के लिए। वैकेंसी नंबर 7 निकल जाएगी SSC कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2022 और 23 की तरफ से, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 22 फरवरी 2023 में आएंगे। सभी 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं 18 से 23 साल यहां पर एज लिमिट के लगभग होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आएगी UPSC सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हर साल इंडिया की ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज, यानी कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हो, IAS की पोस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 फरवरी 2022 से होंगे। साथ ही इंडियन फॉरेन सर्विसेज के भी फॉर्म इसी दिन निकलेंगे। इसका जो एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, 5 जून 2022 को होने वाला है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आएगी SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फॉर्म इसके 22 अगस्त 2022 को आने वाले हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट इसमें मांगी जाती है। बैचलर डिग्री वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है, हिंदी ट्रांसलेटर होता है,
तो आपके पास बैचलर डिग्री में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है पोस्ट के बारे में, सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर फोर्थ के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है, यूपी ट्रिपलसी लेखपाल 8085 रिक्रूटमेंट 2022। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के थ्रू राजस्व विभाग ने हमारी लेखपाल की पोस्ट के ऊपर 8085 वैकेंसी आई हुई है। 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी गई है, सभी 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही आपने यूपी ट्रिपलसी पैट का एग्जाम दिया हो तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022 रखी गई है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर थर्ड के बारे में जो कि निकल के आएगी, यूपीएससी आईईसी आईईएस रिक्रूटमेंट 2022। नहीं समझे, हर साल यूपीएससी के थ्रू आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की ये वैकेंसी निकलती है, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत बड़े लेवल की पोस्ट होती है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4 अप्रैल 2022 से होने वाले, 21 से 30 साल यहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। अगर आपने बैचलर इंजीनियरिंग की है, बीटेक वगैरह की है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर सेकंड के बारे में जो कि निकल के आएगी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से, और साथ ही एक वैकेंसी निकली हुई है यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और साथ ही रेडियो हेड ऑपरेटर की पोस्ट की तरफ से, ठीक है। जो रेडियो असिस्टेंट है और रेडियो हेड ऑपरेटर है, ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, 20 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। फिलहाल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, 18 से 22 साल असिस्टेंट ऑपरेटर वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 28 साल वाले रेडियो हेड ऑपरेटर वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियो जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाली पोस्ट है, 12 पास वहां पर मांगी गई है, विद फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होना चाहिए 12th में। और जो हेड ऑपरेटर वाली पोस्ट है वहां पर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मंगा हुआ है, यानी कि आपने पॉलिटेक्निक वगैरह की हो। और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी लगभग पोस्ट आने ही वाली है, कभी भी आ सकती है। यहां पर 12 पास मांगा जाता है, साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके पास डीसी हो यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल का हो, साथ ही आपके पास पीजीडीसी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और भी काफी सारे डिप्लोमा है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिप्लोमा होगा तो आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 2300 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, बस वेट करिए, कभी भी आ सकते हैं, जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, लेकिन आएगी जरूर 2022 के अंदर। बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में जो कि निकल के आएगी, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। एनएचबी का मतलब होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी यहां पर थोड़ी सी लिमिटेड ही होती है, 15 से 20 के आसपास वैकेंसी होती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल यहां पर होती है, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी होती है, बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम होता है, सैलरी बहुत ही जबरदस्त होती है, डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त है और बढ़िया गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है। और इसके लिए जो फॉर्म निकलते हैं हर साल नवंबर दिसंबर के आसपास निकलते हैं, अभी अभी 2021 की दिसंबर में ये वैकेंसी गई है, 2020 में भी दिसंबर में ये वैकेंसी गई, 2019 में भी ये वैकेंसी गई थी और 2022 दिसंबर में ही ये वैकेंसी निकलेगी। तो भाई अपना दिमाग में रखिए, अगर आप बैंकिंग लेवल के स्टूडेंट हो तो IBPS, SBI, IDBI, NABARD बैंक, NHB, ये आपके लिए ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि भाई जहां पर आप एलिजिबल होते हो, अगर आपका सपना एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो इन वैकेंसीज के लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टॉप 36 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, और उस वाली वीडियो मैंने आपको बताया था टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, वो वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने आपको जबरदस्त वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, और हां ये केवल वो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है, जिनके एग्जाम कैलेंडर निकले हुए हैं और जो कि हर साल निकलती हैं। बाकी 2022 के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आएंगी, तो उनके रिगार्डिंग मैं तो टाइम टू टाइम वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, लाइक करिएगा, दोस्तों का ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस के नाम से है। बाकी बुक्स के बारे में बता चुका हूं, करंट अफेयर की बुक कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, फिलहाल ही तुरंत अभी परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।